स्टूडेंट्स, बीबीवीएन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारा पाठ पढ़ेंगे सात, दान का हिसाब। जिस तरह से हम कुछ भी खर्चा करते हैं उसका हिसाब होता है, उसी तरह से दान का भी हिसाब होता है। इस चैप्टर में यही दिखाया गया है। इसमें एक राजा है, वह बड़ा ही लालची है। उसके राज भंडार में बहुत पैसा है, लेकिन वह पैसा अपने कपड़ों पे, अपने इत्र पे यानी सुगंधित पदार्थों पे और अपने शौक पे खर्च करता है, लेकिन गरीबों और दुखियों की मदद बिल्कुल नहीं करता। एक दिन उसके राज्य में अकाल पड़ गया, लोग भूख के मारे मरने लगे। लोगों ने उससे प्रार्थना की कि हमें राजकोष से कुछ धन दे दिया जाए, हमें कुछ अनाज दे दिया जाए ताकि हम जिंदा रह सकें, लेकिन उसने उनकी मदद करने से मना कर दिया। अब देखते हैं इस चैप्टर में कि राजा ने सबको उनकी मदद करने से मना कर दिया उसके पास होने के बावजूद, तो उसका हिसाब कैसे हुआ। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक था राजा। राजा की लद्दक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, यानी कि शानदार कपड़े पहनते थे राजा जी और उन पे इत्र लगाते थे, बन ठन कर बाहर निकलते थे, बहुत रुपए उन पे हजारों रुपए खर्च करते थे। पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, यानी दान के वक्त वे एक रुपया भी खर्च नहीं करते थे। दान यानी किसी की मदद करना। मदद करने के लिए उनके पास एक भी रुपया नहीं होता था। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों की का बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। जो गरीब है, जो दुखी है, जो विद्वान है, जो सज्जन है, जो अच्छे लोग हैं, विद्वान यानी जो विद्या के ज्ञाता है वे, और दुखी किसी भी पीड़ा से दुखी हैं वे, और गरीब लोग उसकी राज्यसभा में कभी नहीं आते थे। सिर्फ पैसे वाले लोग ही उसकी राज्यसभा में आते थे। क्यों? क्योंकि गरीबों का वहाँ कोई सत्कार, कोई आदर नहीं होता था और सिर्फ पैसों वालों का ही आदर सत्कार होता था, इसलिए कोई आता ही नहीं था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले यह तो भगवान की मार है। जब राजा को पता चला कि उसके राज्य में अकाल पड़ गया है, तो वह बोलने लगा कि यह तो भगवान की मार है, अर्थात इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अकाल पड़ा है तो भगवान ने ही पटका है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यह कह दिया। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। लोगों ने प्रार्थना की राजा से कि महाराज, राज भंडार में इतना पैसा है, हमारी सहायता करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों में से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी भी नहीं है। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। सबको लगा कि राजा अब हमारी सहायता नहीं करेगा। तो इस चैप्टर में जो राजा है उसने अपनी प्रजा की बिल्कुल भी सहायता नहीं करी। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।